तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुर्बान अली खान और केके टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको व्हाट्सअप का एक अल्टीमेट ट्रिक बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, जब हम व्हाट्सअप पे अपने दोस्त के पास कोई फोटो या फिर वीडियो हम सेंड करते हैं तो उसके नीचे कुछ ज़रूरी सूचना लिख देते हैं ताकि उसके बारे में हर कोई जान सके और हमारा दोस्त जब उसे फॉरवर्ड करे हर किसी के पास वो पहुंच सके और हर किसी को जरूरी सूचना और इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन दोस्तों जब हमारा दोस्त उसे फॉरवर्ड करता है तो वो जरूरी सूचना कट जाता है, यानी कि केवल फोटो या वीडियो जाता है और नीचे जो लिखा हुआ होता है वो कट जाता है। तो आइए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करें, व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई एक फ्रेंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने तब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फ़ोटो ले लेते हैं। मान लो ये वाला फ़ोटो बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है, हम चाहते हैं कि लोगों तक ये पहुँचे और उसकी सूचना भी पहुँचे। तो चलिए यहाँ पे कुछ सूचना टाइप कर देते हैं और फिर फॉरवर्ड कर देते हैं अपने दोस्त के पास। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे वो फ़ोटो आ गया और उसके नीचे जो हमने ज़रूरी सूचना लिखा था वो भी आ गया। अब क्या होगा जब हमारा दोस्त इसे फॉरवर्ड करेगा, तो देख चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सूचना कैसे कट जाता है। तो सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने का तब हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर फॉरवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कोई भी एक फ्रेंड को हम ये सेंड कर देंगे। तो दोस्तों देखिए ये वाला फोटो यहाँ पे आ गया है और हमने जो इसके नीचे जरूरी सूचना लिखा था वो वाला नहीं आया है, यानी कि वो कट गया है। तो इससे आपकी सूचना ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, केवल आपकी फ्रेंड के पास पहुंच पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हर किसी के पास पहुंचे तो मैं कुछ स्टेप बताता हूं, आप उसे फॉलो कीजिए, आपकी सूचना हर किसी के पास पहुंच जाएगी। तो चलिए उसके लिए हम बैक जाते हैं फिर से उस फोटो के। बैक जाने का तब हम क्या करेंगे, फिर से उस फोटो पर जाएंगे और देखिए ये वाला वो फोटो। तो अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से सिलेक्ट करेंगे। फिर से सिलेक्ट करने का तब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए थ्री डॉट है राइट साइड कॉर्नर पे, अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने का तब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए शेयर का ऑप्शन है, अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे किसी को भी हम ये वाला मैसेज सेंड कर देंगे। तो चलिए किसी को हम सेंड कर देते हैं और यहाँ पर हमें कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम फॉरवर्ड के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले वाला फोटो में सूचना कट गया था लेकिन सेकंड वाले फोटो में सूचना है। तो आप तो इसी तरह आप भी सिलेक्ट करके शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी को भी कुछ भी भेज सकते हैं और आपकी सूचना हर किसी के पास पहुंच जाएगी और ना ही आपकी सूचना कभी भी कटेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दें जो बिल्कुल फ्री है, और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी नई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको मिलती रहे। और ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को दोस्तों लाइक करें।